अनूपगढ़ के घड़साना से इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीती रात संदिग्ध अवस्था में मिले शव का हुआ खुलासा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलयुगी बेटे और मृतक की पत्नी ने लठ मारकर की हत्या, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, उसका खुलासा हुआ है। एसएचओ कलावती चौधरी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, सीसीटीवी खंगालने के बाद बेटे और पत्नी को लिया हिरासत में। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों ने हत्या की बात कबूली। हत्या का कारण बताया जा रहा है घरेलू कलह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं घड़साना से। थानाधिकारी कलावती चौधरी हत्या के सबूत जुटाने में जुटी हुई है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद सोकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद, जिस प्रकार से ये पूरी घटना सामने आई है, आपसी कलह में व्यक्ति की हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये अनूपगढ़ के घड़साना का मामला है, जहां बीती रात एक शव मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि बेटे और पत्नी ने ही इस जो अधेड़ है इसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि गृह कलह के चलते इस जो अधेड़ है इसको लठ मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तब 60 वर्षीय बुजुर्ग गुरसेवक सिंह और उसकी पत्नी छिंदर कौर, बेटे जग्गा सिंह ने पीट पीट कर इस पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दिया था। और जब इस अधेड़ के साथ मारपीट की गई तो मारपीट के दौरान उसके गंभीर चोट लग गई। चोट लगने से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मौत होने के बाद सबको पास में ही रख दिया और उसकी सबको पास रखने के बाद पूरा माहौल क्रिएट किया गया कि इसकी अचानक मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की तो जांच में पता चला कि बेटा ही और पत्नी ही हत्या में शामिल रहे हैं और इन्होंने ही इस अधेड़ की हत्या की है। जी और विनोद, जिस प्रकार से पुलिस ने पत्नी और बेटे को जो जिन्होंने ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो पुलिस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल, इन दोनों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के जरिए रिमांड मांगा जाएगा कि आखिर इन दोनों ने इस अधेड़ के साथ इस तरह की घटना क्यों की। कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद ही इन पूरी मामले का खुलासा होगा। जी और देखिए, जिस प्रकार से विनोद आपसी कलह में या घर की कलह में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कहां तक सही है, क्योंकि पारिवारिक कलह के कारण किसी की हत्या कर देना ये अपने आप में वास्तव में बेहद गलत है। जी बिल्कुल, ये इन्होंने इस जो अधेड़ है इसके साथ मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद वो क्या है अचानक कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन इस तरह से ये मामूली ग्रह कलेश के चलते इन्होंने इसकी अधेड़ के साथ मारपीट की थी। मारपीट के चलते ऐसी जगह चोट लगने पर उसकी मौत होना बताया गया है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूपगढ़ के घड़साना से ये बड़ी खबर थी, जिसमें बीती रात संदिग्ध अवस्था में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया है। कलयुगी बेटे और मृतक की पत्नी ने लठ मारकर उसकी व्यक्ति एसएचओ कलावती चौधरी ने घटना के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी खंगालने के बाद बेटे और पत्नी को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जाँच कर रही है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 20।